इसको मैंने 30 फंदे से बनाया है और 30 फंदों को मैं 3 जगह डिवाइड करूंगी। आपको इसी तरीके से फंदे लेने हैं, जैसे कि आप इसको 60 फंदे का भी बना सकते हैं। ये मैं 30 का बना रही हूँ, और अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो आप 30 का ही बनाइएगा, और भूल से बना रहे हैं तो आप ज्यादा कर लीजिए। तो 4 के मल्टीपल में इसमें फंदे लेने हैं, फंदे आपको 3 जगह बराबर डिवाइड करने हैं। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए जिस तरह से आप यहाँ पे फंदे डालेंगे उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। हर कली इसकी स्टार्टिंग से ही शुरू होती है, जैसे कि आप फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे 30 फंदे ले लीजिए अगर आप साड़ी से बना रहे हैं, भूल से बना रहे हैं तो आप फंदे ज्यादा ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से ही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फंदा उतार लिया, भूल को अपने तरफ किया। यहाँ पे हम एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे, ऐसे इधर से बुना, वापस उसी फंदे को बना लिया। आगे के फंदे सिंपल बुनने हैं इस तरह से, लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाना है। लास्ट में एक फंदा बिना बुने हम छोड़ेंगे, तो हम बुन लेते हैं। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया, एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। भूल को इधर किया और सलाई को पलट लिया, उल्टी रो में कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक मैंने बना लिया, अब देखिए इस फंदे को इधर से उतार लेंगे, भूल को अपने तरफ करेंगे और यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। लास्ट में एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, ये देखिए। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 फंदे ये बढ़ गए हैं और 2 इस रो में छूट जाएंगे, तो इसी तरह से 2 और छोड़ेंगे और 2 और बढ़ाएंगे। यहाँ पे 4 फंदे बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये 4 रो आ जाएंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे एक एक करके 4 फंदे छोड़ दिए, 1 2 3 4, और देखिए 1 2 3 4, 4 रो आ गई हैं। अब देखिए 5वीं रो में हम इन फंदों को घटाएंगे, तो पहले हमने इसको उतार लिया, भूल को अपने तरफ किया, वापस इसको ऐसे किया और यहाँ से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 फंदे बढ़ाए थे मैंने, वो 4 फंदे मैंने घटा दिए इस रो में। अब आगे तक इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे, लास्ट तक देखिए बुन लिया। लास्ट में एक फंदा, 5वां फंदा जो है उसको मैंने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिया, 4 पहले छोड़ दिए थे, 5वां आप छोड़ दिया, भूल को इधर किया और सलाई को पलट लिया। अब देखिए येलो को हम यही छोड़ेंगे और ये ग्रीन धागा यहाँ से लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ से ग्रीन से बुनेंगे और इस धागे को हम ऐसे करते हुए ले जाएंगे ताकि उल्टी तरफ भी इसमें फिनिशिंग आ जाए। अब पूरी रो यहाँ पे हम इसी ग्रीन कलर से बुन देंगे, ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। इसको हमने इधर से बनाया उल्टे तरफ से और इस साइड से हम इसे उतार लेंगे ऐसे, भूल को अपने तरफ करेंगे। यहाँ पे अब देखिए फिर से ये वाली डिजाइन डालेंगे, एक एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह की एक डिजाइन और मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 4 फंदे बढ़ाऊंगी, 4 छोड़ूंगी, 5वीं रो पे मैं फंदे घटा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक डिजाइन और डाल ली है और देखिए ये 5 रो में
पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से फंदे घटा भी दिए, चार फंदे बढ़ाए, चार घटा दिए और चार इधर छोड़ दिए, तो ये पांचवा फंदा इस रो में छूट गया। तो ये यहाँ पे पांच फंदे छूट गए, पांच दूनी दस, दस फंदे ये छूट गए। आप देखिए जो मैंने तीन जगह डिवाइड करने हैं फंदे, वो मैंने दस छोड़ दिए। अब मेरे पास बीस फंदे बचे हैं, तो अब मैं हार्ट शेप की ये डिजाइन डालूंगी इसमें। तो इसके लिए हम इसको पलट लेंगे और यहाँ से येलो कलर लगाएंगे, ऐसे उल्टे तरफ से पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक रो मैंने बना ली है। अब देखिए ये दस फंदे छूट गए, अब हम यहाँ से दो दो फंदे छोड़ेंगे और एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक फंदा उतार लिया, गुल को अपने तरफ किया, यहाँ पे देखिए एक फंदा पहले बढ़ा लेंगे, एक बार बुना, वापस उसी फंदे को इधर से बना लिया, तो एक से दो हो गए। अब यहाँ से ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से यहां तक मैंने एक एक फंदा छोड़ा, अब दो फंदे छोड़ गई हूं और भूल को इधर किया, सिलाई को पलट लिया, यहां से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे पूरी रो। ये देखिए ये रो उल्टे तरफ से कंप्लीट कर ली। सीधे साइड फिर से मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी भूल को अपने तरफ करके, ऐसे ये देखिए इसको दोबारा बुन लिया, तो दो फंदे हो गए एक से, और लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, भूल को इधर किया। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हम पांच फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ पे दस फंदे दो दो करके छोड़ देंगे, तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ पे पांच फंदे बढ़ा लिए, दस फंदे छोड़ दिए हैं। अब मेरे पास ये यहाँ पे टोटल बीस फंदे छूट चुके हैं। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, दो दो करके दस फंदे और छोड़ेंगे, ऐसे सिंपल इसको बुनना है। ये देखिए लास्ट में दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दस फंदे छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए इस तरह से मैंने फिर से दस फंदे छोड़ दिए, तो टोटल ये यहाँ से दो दो करके मैंने बीस फंदे छोड़ लिए। सिर्फ ये पांच फंदे बचे हैं जो मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे। आप देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बुनेंगे, पहले तीन चार पांच, पांच फंदे ये बुनेंगे और दस यहाँ से बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, और देखिए यहाँ पे दस ही फंदे हमारे पास रह गए, एक दो तीन चार पांच, यहीं से पलट लिया इसको और ये रो पूरी ऐसे ही बुन देंगे उल्टे तरफ से। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे पांच फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरीके से हम पांच फंदे घटाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने ऐसे बनाया, अब मैं अंदर के साइड इसको ले जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा उतारा भूल अपने तरफ, पहले दो का एक करेंगे ऐसे, उसके बाद दस फंदों तक हम ऐसे ही बनाएंगे जो मैंने बुने थे इस तरह से। ये देखिए ऐसे, और देखिए यहाँ पे गैपिंग हो रही है, तो एक फंदा हम ये वाला ऐसे उठा लेंगे और अगले फंदे के साथ बुन देंगे। दो फंदे हमने ये आगे से ले लिए और यहीं से पलट लिया, और ये रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे।
ये देखिए पूरी रो ऐसे ही बना ली। आप देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा उतारा, बुल को अपनी तरफ किया, दो का एक कर दिया ऐसे। उसके बाद देखिए लास्ट में दो फंदे हम आगे से लेंगे, ये देखिए ऐसे। यहां से एक फंदा पहले उठाएंगे, इस फंदे के साथ बना देंगे और दो फंदे मैंने ये आगे से ले लिए। आप देखिए यहाँ पे दो फंदे मैंने घटा दिए, तीन और घटाऊंगी और देखिए ये छह फंदे और ले लूंगी दो दो करके। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक पार्ट इसका बना के हाफ कर ली, ऐसे यहाँ तक कम्प्लीट कर ली। अब देखिये सेम तरीके से दूसरी भी बनानी है। तो देखिये यहाँ पे मैं एक फंदा उतारूंगी बूल अपने तरफ इस तरह से, ऐसे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लूंगी। अब देखिए इसको मैं सेम तरीके से बनाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाऊंगी पांच फंदों तक और यहाँ पे ऐसे दो दो करके दस फंदे छोड़ दूंगी। उसके बाद देखिए जैसे मैंने ये वाली कली पूरी की है इसी तरीके से इसको मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ, सेम तरीका है बनाने का। ये देखिए इस तरह से ये कली मैंने पूरी कर ली और देखिए ये हार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पे हमारे पास अब 20 फंदे हैं, तो हमने यहाँ तक ये बना लिया। अब यहाँ से हम पलट लेंगे और उल्टे तरफ से ये ग्रीन कलर यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, 20 फंदे उल्टे तरफ से हम ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये वाली डिजाइन डाली थी, एक एक फंदा इधर से बढ़ाया था, एक एक फंदा इधर से छोड़ा था, यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी आगे से एक फंदा लूंगी। तो देखिए इस फंदे को मैंने उतार लिया और यहाँ पे एक फंदे से दो फंदे बनाएंगे ऐसे। एक बार बुना, वापस उसी फंदे को बुन दिया। आप देखिए ये देखिए यहाँ तक मैंने ऐसे ले लिया। अब देखिए यहाँ पे गैपिंग हो रही है, एक फंदा लेने से पहले यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे ऐसे, इस फंदे को उठा लिया, एक ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ देखिए इन फंदों का ऐसे तीन का एक करेंगे, एक आगे से लिया ऐसे, ये देखिए तीन का एक कर दिया, ऐसे पलट लिया और यहाँ से उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी बुल को अपने इधर करके, ये देखिए ऐसे एक बार ऐसे बुन दिया, वापस उसी फंदे को इधर से बुन दिया। तो एक फंदे से दो फंदे, उसके बाद आगे तक ऐसे ही बुनते जाऊंगी। बना लिया। आप देखिए हम यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे, एक यहाँ से ऐसे और आप चाहे तो एक ही ये उठा के इस तरीके से रख के ऐसे बना लीजिए। ये देखिए यहीं से पलट लिया। आप देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे दो फंदे और बढ़ाएंगे और दो फंदे इधर से और ले लेंगे, फिर दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार फंदे बढ़ा लिए हैं और चार यहाँ से एक एक करके ले लिए हैं। पांचवी रो में ये वाला फंदा ले लेंगे और यहाँ पे चार फंदे घटा देंगे। पहले हमने इस फंदे को उतार लिया, फिर इससे ऐसे किया, यहाँ पे दो का एक करेंगे, एक दो तीन और देखिए ये चार, चार फंदे घटा दिए। उसके बाद हम ऐसे ही बुनेंगे
तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और देखिए 25वां फंदा लेंगे, उससे पहले हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, इसके साथ बना देंगे। ये देखिए 25 फंदे ये बना लिए। आप देखिए यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और ये फंदे मैंने ग्रीन तक ले लिए। अब देखिए यहाँ से हम उल्टे तरफ से येलो कलर लगा लेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, इतना नाप लेंगे, यहाँ से खिंचा खिंचा नहीं होना चाहिए उल्टे तरफ ऐसे। ये देखिए यहाँ से ये लगा लिया येलो कलर, ग्रीन वहीं पे छोड़ दिया और ये रो पूरी ऐसे ही बनाएंगे। आप देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे पूरी रो बना लेंगे, फिर एक एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इधर से एक एक फंदा लेते जाएंगे। चार फंदे बढ़ाएंगे, पांचवें पे हम ये सभी फंदे घटा देंगे, पांचवा फंदा ले लेंगे। तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए इस तरह की ये दो कलियां आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बना लिया है, पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, सारे फंदे ले लिए और यहाँ पे ये दोनों डिजाइन ऐसे आ गई हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया यहाँ से, तो अब हम बंद करना बताएंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से इस तरह से बनाया है आपने, तो यहाँ से आप दूसरी कली स्टार्ट करने के लिए उल्टे तरफ से जो कलर आप यहाँ पे रखना चाहें वो आप ऐसे उल्टे तरफ से लगा के और फर्स्ट रो की तरह स्टार्ट कर लीजिए। तो ऐसे ये बन के पूरा कम्प्लीट हो गया। अब देखिए हम इसको बंद करना बताएंगे, तो यहाँ से दो का एक करते हुए जाएंगे लास्ट तक, ऐसे ही पूरे सारे फंदे क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए सभी फंदे मैंने ये बंद कर दिए यहाँ से। अब इसको ऐसे पलट लेंगे और देखिए यहाँ से पूरा ऐसे पकड़ लेंगे, ये जहाँ से ये डिजाइन है इतना मिलाते हुए, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाते हुए सिल के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे इसको सिलते जाएंगे यहाँ से।